अभी हम बात करते हैं कैप्टन एमएल शर्मा से, जो रिटायर्ड कैप्टन है कोर ऑफ सिग्नल से। कोर ऑफ सिग्नल का जो काम होता है वो आर्मी को सिग्नल्स प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन का जो काम होता है वो इनके पास होता है। रिटायर्ड कैप्टन साहब है एमएल शर्मा जी, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था उस समय कैसा माहौल रहा है, किस तरह का जोश था हमारे जवानों में, और जो पूरा भारत था, पूरा इंडिया था, वो किस हालात से गुजर रहा था, किस तरह की सोच थी लोगों की, और जो आर्मी पर्सन थे वो किस तरह से सोच रहे थे, आइए उनसे बात करते हैं। मैंने कोर ऑफ सिग्नल को ज्वाइन किया था 1968 में, अगस्त में। उसके बाद आफ्टर पासिंग दी ट्रेनिंग मैं काफ़ी सिग्नल यूनिट में रहा, करीब करीब हर कमांड में दो दो बार मैंने नौकरी किया है। कारगिल जो युद्ध था, हाँ जी, 26 जुलाई 1999 को हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली थी कारगिल पे। हाँ जी, तो कारगिल जब हुआ तो सर कैसा माहौल था उस समय? कारगिल के टाइम जो कारगिल का युद्ध था उसमें माहौल तो इतना बढ़िया था कि हर सिविलियन हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे सीआरपी का हो, सबको पता था कि कारगिल की लड़ाई लगी हुई है, और उसमें हर आदमी युद्ध में जाने के लिए बेताब था बहुत ज्यादा। तो सर कितने दिन चला युद्ध ये जो था? ये करीब करीब 84-85 डे चला है जी, और इसमें लास्ट विजय जो हमने प्राप्त की थी वो 26 जुलाई था, जिस दिन डिक्लेयर हो गया जी जी। और उससे पहले काफी बटालियन वालों ने भी हिस्सा लिया। सबसे मेन रोल जो जिसको परमवीर चक्र मिला था, जोगिंदर यादव जी जो सूबेदार मेजर थे उस टाइम, उनको काफी उनको गोलियां लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा जी। क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना जवानों के अंदर ऐसा जोश भरा हुआ था उसने कि कोई बोल ही नहीं सकता था कि ये बंदा बचेगा या क्या था, भाई कैसे किया इसने, और जवान उसके साथ पूरे खड़े थे, और क्रॉलिंग कर करके पहाड़ियां चढ़ चढ़ के आखिरकार उन्होंने फतेह हासिल कर ली। उसके बाद उसको अपना बेस हॉस्पिटल में ले गए, उसको इलाज भी कराया, बच गया, भगवान की दया, अभी वो बिल्कुल ठीक ठाक है। कैप्टन साहब, आज का जो माहौल हम देख रहे हैं कि आज भी अगर हम पीओके की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें या हम बॉर्डर एरिया की बात करें, तो हर रोज दहशतगर्द आ रहे हैं और हमारे बहुत से जवान शहीद हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं इसके पीछे? क्योंकि देखिए बॉर्डर तो हम लोगों ने पूरे अच्छे से सील किए हुए हैं, हमारी आर्मी वहां हर समय मुश्ताक है, फिर एंट्री कैसे हो जाती है उनकी? देखो, जिसके अंदर कोई ना कोई उनको लूपहोल मिल जाता है, जहां फेंसिंग खराब है, कई जगह पेट्रोलिंग पार्टी कहीं आगे पीछे हो गई और उनको मौका मिला, वो क्योंकि वो भी एलओसी के आसपास ही घूमते रहते हैं जो टेररिस्ट हैं, और उनका भी मकसद यही होता है कि हम कैसे न कैसे धोखा देके इंडिया के अंदर एंट्री कर जाएं और दो चार कैजुअलिटी करें, फिर भाग जाए, जहां मर जाए जहां मार दें। उनका तो मकसद तो यही होता है कि मरना है हमने, क्योंकि कोई सुसाइड बॉम्बर है, कोई कुछ है, लेकिन जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है बड़ी मुस्तैद होती है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बीच में कारण ऐसे बन जाते हैं, और उनको कई बार तो वो अपने साथ इतने हथियार लेकर आते हैं कि वो वायर को तो समझते कुछ नहीं, काट देते हैं फटाफट। तो वैसे देखा जाए तो इसमें थोड़ा बहुत सरकार को भी सोचना चाहिए, और हम ये नहीं बोलेंगे कभी भी कि सरकार की इसमें कमजोरी है, सरकार ठीक है हमारी, लेकिन उनको ऐसा स्ट्रांगली जैसे पीछे जो पुलवामा अटैक किया था वैसा ही उनको कोई एक्शन अभी एयर स्ट्राइक करके लेना चाहिए।